अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। और कई दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रही, मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी, हाथ मेरा जल गया था इसकी वजह से। और चलिए आज हम रेसिपी शुरू करने जा रहे हैं, और क्या नाम है, चिकन कोरमा कैसे बनाना है, क्या क्या डालना है और मसाले क्या क्या पड़ेंगे और किस तरह बनाना है। सबका बनाने का अपना अपना तरीका होता है, आप मेरे तरीके से मेरे स्टाइल से बना के देखिए, आपको जरूर पसंद आएगा। बनाने में बहुत ही आसान, खाने में बहुत टेस्टी। चलिए बनाना शुरू करते हैं। पतीले हमने रख दी है, तेल हमारा गरम हो गया था, हमने 4 चम्मच तेल डाला इसमें और 4 मीडियम साइज के कांदे को कट कर लिया था, उसको हमने डाल दिया है। अभी हमारा बिरिस्ता तैयार हो रहा है, बिरिस्ता तैयार हो जाएगा फिर उसको निकाल कर उसको हम पीस कर डालेंगे कोरमे में। और ये हमने 500 ग्राम चिकन लिया है, उसको अच्छे से धो लिया है 5-6 पानी से, उसके बाद आधा नींबू निचोड़कर उससे वॉश कर लिया है ताकि इसका भिसाइन निकल जाए। और ये क्या नाम है, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक स्वाद अनुसार, कोरमा मसाला 1 चम्मच, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर और 1/2 चम्मच तीखी लाल मिर्ची पाउडर। इसमें हम डालेंगे 100 ग्राम दही, दही को अच्छे से मैश कर लेंगे। और इसमें हम डालेंगे 6-7 बादाम, तेजपत्ता, दालचीनी की लकड़ी, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और बादियान। इसको डालकर तेल में हम अच्छे से पहले मसाले को फ्राई कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें चिकन डालेंगे। रिश्ता हमारा रेडी हो गया, अब इसको हम निकाल लेंगे प्लेट में, इसको हल्का सा ठंडा करके फिर इसको मिक्सर में बादाम के साथ ग्रेट करके डालेंगे। बादाम को भी फ्राई करके निकाल लेंगे। रिश्ता हमने निकाल लिया है, अब इसमें हम डालेंगे तेज पत्ता, दालचीनी की लकड़ी, बादियान, बड़ी इलायची, लौंग और छोटी इलायची, इसको अच्छे से लाल कर लेंगे। चिकन को डालकर अच्छे से चला लेंगे। चिकन हमने डाल दिए हैं, इसको अच्छे से चला लेंगे ताकि सारे मसाले का फ्लेवर चिकन के अंदर अच्छे से आ जाए। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन, 1 चम्मच अदरक लहसुन है इसमें डाल देंगे। इसको देखते चला लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर हमने इसे कला लिया है, खुशबू भी अच्छी आ रही है, पानी इसका पूरा जल गया है। अब इसमें हम डालेंगे मसाले, धनिया पाउडर 1/2 चम्मच, कोरमा मसाला 1 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, तीखी लाल मिर्ची पाउडर 1 छोटा चम्मच और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर और 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। ये सब मसाले इसमें डाल देंगे। इसको अच्छे से चला लेंगे। फिर इसको हम अच्छे से चलाने के बाद इसमें हम डालेंगे दही, दही को मिक्सर में एक राउंड डाला लेंगे। उसके बाद डालेंगे आंच को, इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाला अच्छे से पक जाए इसके अंदर, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। फिर दही को एक राउंड लगाकर फिर इसमें हम मिला लेंगे चिकन में। ऐसे क्या है, दही अच्छे से मैश, आंच को धीमा कर देंगे और मिक्सर में हमने दही को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, अब इसको अच्छे से मिला लेंगे।
अच्छे से चलाते जाएंगे ताकि दही का फ्लेवर कोरमे के अंदर अच्छे से आ जाए। देंगे ताकि मसाला अच्छे से तैयार हो जाए और चिकन गल जाए और ये बिरिस्ता जो हमने निकाल कर रखा है फ्राई करके उसको पीस लेते हैं। मसाला अच्छे से पक गया है हमारा, चिकन भी गल गया है ये। अब इसमें हम डालेंगे जो हमने बादाम और बिरिस्ता निकाल कर रखा था उसको हमने ग्राइंड कर लिया है, अब इसको हम इसमें मिला लेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे, बिरिस्ता हमने डाल दिया है, थोड़ा सा जार में अच्छे से पानी डालकर अच्छे से डाल देंगे संभाल कर, इसको अच्छे से चला लेंगे। उल्टा पलटी करते जाएंगे ताकि सारी चिकन में हमारे बिरिस्ते का फ्लेवर अच्छे से आ जाए। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। चिकन कोरमा हमारे रेडी हो गए हैं, ये देखिए मसाले ने तेल भी छोड़ दिया अच्छे से और चिकन भी गल गया है। इसमें थोड़ा डालेंगे हरा धनिया, थोड़ा गार्निश के लिए रखेंगे। अब इसको हम सर्व करते हैं। बनाने में बहुत ही आसान, खाने में बहुत टेस्टी, झटपट बन जाता है। आप भी अपने घर में बनाइए और इसको हम सर्व करते हैं। देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। चिकन कोरमा हमारा रेडी हो गया है, हमने इसको सर्व कर दिया है बॉल में। अब इसको हम हरा धनिया से गार्निश करते हैं। देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है, बनाने में बहुत ही आसान, खाने में बहुत टेस्टी, झटपट बन जाता है। आप भी अपने घर में बनाइए और बनाकर खाकर बताइए कैसा बना है। बनाने में बहुत ही आसान, खाने में बहुत टेस्टी, झटपट बन जाता है। देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है, आप भी बनाएंगे तो आपको जरूर पसंद आएगा। हर इंसान का अपना अपना तरीका होता है बनाने का, आप मेरे तरीके से मेरे स्टाइल से बनाएंगे तो झटपट बन जाता है और खाने में बहुत टेस्टी रहता है। तो आप अपने घर में बनाइए और बनाकर खाकर बताइए कैसा बना है। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए और मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए। आप लोगों का साथ, आप लोगों का प्यार मेरे लिए बहुत ही जरूरी है और आप लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। माशाल्लाह मेरे 500 सब्सक्राइबर हो गए हैं और क्या नाम है, आप लोगों का साथ रहा इसी तरह तो मैं इंशाल्लाह 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंच जाऊंगी। और क्या नाम है, आप लोग मुझे जरूर सपोर्ट करेंगे और उम्मीद करती हूँ आप मुझे ना उम्मीद नहीं करेंगे। और क्या नाम है, फिर मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। चिकन कोरमा हमारा रेडी हो गया है, बनाने में बहुत ही आसान, खाने में बहुत टेस्टी, झटपट बन जाता है। आप भी बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए।